आपने फिल्म या टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि पति अपने पत्नी को उसके पूर्व प्रेमी से मिलवाता भी है और शादी भी करवाता है। लेकिन अब बिहार के किशनगंज जिले से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 सीमांचल में। मैं मारूफ मिलन रहमानी। दरअसल मामला किशनगंज जिले के टेरागस प्रखंड अंतर्गत पिपरा गांव का है, जहां रविवार को समाज और परिवार की रजामंदी एवं जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में एक अनोखी शादी कराई गई। चांदनी देवी की शादी एक साल पहले देवनारायण से हुई थी, जो ठाकुरगंज प्रखंड के जिया पोखर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। शादी के बाद से ही पति पत्नी के बीच अनबन होते रहता था। इसी बीच चार दिन पहले वो नीतीश शाह के घर पहुंची, जो फतेहपुर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव का रहने वाला है, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत का सिलसिला जारी हुआ और रविवार को दोनों परिवारों की आपसी रजामंदी के बाद सरपंच अंजर आलम और जाप नेता सहित ग्रामीणों की मौजूदगी में एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बांध दी गई। इस शादी को लेकर चांदनी के पूर्व पति देव नारायण भी रजामंदी दे दी है। मामला तो वैसे प्रेम प्रसंग का है, मगर फिर भी सरपंच और परिवारों के बीच नीतीश ने जिंदगी भर चांदनी देवी को साथ रखने और किसी भी तरह के दबाव न डालने का बात लिखित रूप में दे दिया है। जबकि चांदनी देवी ने भी देव नारायण शाह पर कभी पति न होने का दावा करने का लिखित रूप में दे दी है। कर रहे हैं, इन्हीं के दबाव पे कर रहे हैं या अपना मन से कर रहे हैं? तो मैं जानना चाहूंगा, जो पहले जो आप शादी किए थे, क्यों उसको छोड़े आप? इसीलिए छोड़ दिए? मारपीट कर रहा था आपके साथ? और जो अभी जो शादी कर रहे हैं, क्या गारंटी है अगला एक साल दो साल के बाद अगर ऐसा अगर इनके साथ होगा तो इनको भी छोड़ दीजिएगा क्या? ठीक। चांदनी देवी ने नीतीश संग जीवन यापन करने और आगे किसी के साथ इस तरह की घटना ना करने की वादा लिखित रूप में दे दिया है। दोनों पति पत्नी बनने के बाद काफ़ी खुश दिखे। एक फिल्म में आई थी प्यार की जीत, जिसमें शशि कपूर और रेखा लीड रोल में थी, जिसे आप लोगों ने देखा भी होगा। और यहाँ भी अंत में प्यार की ही जीत हुई। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के तमाम खबरों के लिए न्यूज़ 24 सीमांचल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।